हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाले मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए आपको ना तो फाउंडेशन की ज़रूरत है, ना ही कंसीलर की, ना ही ब्लश की और ना ही आई शेडो की ज़रूरत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है जिनके पास ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है या फिर बिगनर्स है, जो जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता। सुपर एफोर्डेबल मेकअप लुक आप इसे कह सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फेस वॉश मैंने कर लिया है और अपने स्किन को प्रेप आपको कर लेना। फेस वॉश करने के बाद अच्छे एक मॉइस्चराइज़र आपको अपने फेस पर लगा लेना है। उसके बाद मैं ये एलोवेरा ले रही हूँ जिससे अपने फेस को मैं प्राइम कर रही हूँ। अगर आपके पास प्राइमर है तो डेफिनेटली आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एलोवेरा लिया है बिकॉज ऑफ एफोर्डेबल मेकअप है ये। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ बीबी क्रीम, गार्नियर की बीबी क्रीम मैं यहाँ पर ले रही हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो यही वाली आप ले सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है देन आप पॉन्स की जो बीबी क्रीम आती है वो आप अप्लाई करेंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्रीम है ये। मैं कोशिश करूँगी कि सारे ही प्रोडक्ट के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। बीबी क्रीम को अच्छे से अप्लाई करने के बाद अपने कानों पे भी आपको अच्छे से बीबी क्रीम लगा लेनी है, क्योंकि ये आपके ही कान है, ये पड़ोसियों के कान नहीं है, इसलिए इन पर भी अच्छे से अप्लाई करें, नहीं तो इनका कलर भी काफ़ी अलग लगेगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन टॉग कॉम्पैक्ट पाउडर, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वो भी नहीं है ना, आप यहाँ पर लूज़ पाउडर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रश में या फिर पैड में आप अप्लाई करने के लिए अगर लोगे तो थोड़ा सा डस्ट कर लेना है आपको। ज़्यादा प्रोडक्ट आपके फेस पर लग जाता है तो वो भी आपके मेकअप को ख़राब दिखाता है, इसलिए जिस तरह से मैं ब्रश को थोड़ा सा टैप कर रही हूँ ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें ना आ जाए, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल, ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन जो कलर होता है वो वाली आपको आईब्रो पेंसिल लेनी है। ब्लैक कलर की आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। नेचुरल जो उभर करके आती हैं आईब्रोज़ वो ब्राउन कलर से ही आती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक। लोकल मार्केट से मैंने ये लिपस्टिक परचेज़ की थी, हाफ एंड हाफ की ये लिपस्टिक है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह की क्रीमी लिपस्टिक जो होती हैं वो काफ़ी अच्छे से ब्लश का काम करती हैं, और इस वाले सीज़न में तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ब्लश जो है वो क्रीमी टेक्सचर का आप ब्लश यूज़ करें, बिल्कुल नेचुरल निखर करके आती है ये चीज़। सेम इसी लिपस्टिक को ही मैं एज अ आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। आपको आई शेडो की भी ज़रूरत नहीं है इस मेकअप लुक में, एज अ आई शेडो भी मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से फिंगर से ही ब्लेंड हो जाएगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ काजल, लैक्मे का काजल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसी काजल को आप एज अ आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास आईलाइनर भी नहीं है तो। कितनी अच्छी बात है ना, इस मेकअप लुक में ना फाउंडेशन की ज़रूरत है, ना ही कंसीलर की ज़रूरत है, ना ही ब्लश की, ना आई शेडो की और ना ही आईलाइनर की ज़रूरत है। वही लिपस्टिक मैंने एज अ लिपस्टिक यूज़ की है। लिपस्टिक पे मुझे थोड़ा डार्क शेड लग रहा था इसलिए मैंने दो लिपस्टिक को मिक्स किया है, ये वाली लिपस्टिक लगाई है और इसी के ऊपर मैंने लाइट शेड यूज़ किया है क्योंकि मुझे ये वाला एग्जैक्ट शेड नहीं चाहिए। तो आप भी इस तरह के हैक को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपनी लिपस्टिक को चेंज करना है, उसके शेड को थोड़ा सा लाइट या फिर डार्क करना है, तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके आप अपनी लिपस्टिक का शेड भी चेंज कर सकते हैं। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।